नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल अस्त्र में। इंडियन नेवी में शामिल हुआ थर्ड स्कॉर्पिन क्लास की सबमरीन INS करंज। जी हां दोस्तों, करंज एक ऐसी पनडुब्बी है जिसकी गूंज से पाकिस्तान और चीन दोनों ही डर गए हैं। मेक इन इंडिया के प्रोग्राम के तहत भारत में बनी ये तीसरी पनडुब्बी है। ये पनडुब्बी स्कॉर्पिन क्लास की है और इसमें कई एडवांस फीचर्स भी दिए गए हैं। इस पनडुब्बी को हर तरीके के युद्ध में शामिल किया जा सकता है। दुश्मनों के रडार से बचने की इसमें एक ऐसी क्षमता है जो शायद एडवांस लेवल पर पाकिस्तान और चीन और अमेरिका के पास भी नहीं है। अब आपको बता देते हैं दोस्तों, करंज की क्या क्या खूबियाँ हैं। इस पनडुब्बी को फ्रांस की DCNS के सहयोग से तैयार किया गया है। करंज की लंबाई 67.2 मीटर है और इसकी ऊंचाई 12.3 मीटर। जी हाँ, और इसकी भार क्षमता की जहाँ तक बात करें तो 1565 टन की ये पनडुब्बी है। पनडुब्बी दुश्मनों को ढूंढकर उन पर निशाना लगाने में भी सक्षम है। साथ ही ये पनडुब्बी दुश्मन को चकमा देने के लिए भी काफ़ी कारगर है। इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है जिससे ये रडार की पकड़ में भी नहीं आ सकती है। ये पनडुब्बी एक न्यूक्लियर सबमरीन है जो परमाणु हथियारों को भी अपने साथ ले जा सकती है। इस पनडुब्बी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये पानी से ही नहीं बल्कि ज़मीन से भी हमला कर सकती है। अगर ऑक्सीजन इसमें खत्म हो गई हो तो ये ऑक्सीजन को बनाने का काम भी खुद से कर सकती है। यही वजह है कि चीन और पाकिस्तान के इस पनडुब्बी के लॉन्च होने पर होश उड़ चुके हैं। तो दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स हमें जरूर दें। टेक्निकल अस्त्र को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और हमारे वीडियोस की लेटेस्ट जानकारी पाएं।